की नगरी से उन्हीं को समर्पण करता हूँ। जहाँ राम बसे हैं हृदय में उन्हीं को अर्पण करता हूँ। जहाँ न्याय बसी है मन मन में मैं संघर्ष से घर्षण करता हूँ। मैं गुरु वसे की नगरी से उन्हीं को समर्पण करता हूँ। मैं कविताएं लिखता हूँ तो उससे चर्चा करूंगा। मेरा कविता लिखना मेरा शौक है, शौक दबाए नहीं दिखाए जाते। तो मेरी चर्चा है नीट एस्पिरेंट के ऊपर। जैसे कोई लड़का है तैयारी करने जाता है तो क्या करता है शुरू शुरू में उस सारी पूरी जर्नी पे सिलेक्शन करके, तो उस पर है कि किया जो मैंने इंटर पास, कहा लोगों ने काम करो कुछ खास, आ गई मन में एक बात बनूंगा डॉक्टर का झकास। गया मैं कोचिंग खिले उदास, कोचिंग का नाम है खिले उदास। गया मैं कोचिंग खिले उदास, कहा मैं गुरुवर सफल करो प्रयास। बोले झट से सुनना दान, पढ़ाऊंगा ऐसे न लूंगा सांस। सुनाए फीस निकाले खींच, कहे तुम कर लो 5-50। लिखाया नाम हो गया काम, पढ़ाई शुरू बाद एक मास। अब लड़का नया नया गया है पढ़ाई करने, तो देखिए जब लड़का 12th तक बिजी रहता पढ़ने में, बाहर माँ बाप बिजी रहे, कोई कोटा गया है कानपुर लखनऊ, मैंने लखनऊ पे लिखा है, तो लड़का लखनऊ में तैयारी करने आया है। तो उस चीज पे है कि लड़का अब एक महीना बीत गया, सोच रहा है कि नहीं पढ़ेंगे अभी, धीरे धीरे पढ़ लिया करेंगे। तो लिखाया नाम हो गया काम, पढ़ाई शुरू बाद एक मास। तो एक महीने में कर क्या रहा है, बहुत मजेदार लाइन है, सुनिएगा आप लोग। कि रेजिडेंसिया लाल बाग घूमा करता हूँ 4 बार, और देख खुशी नाम तो हो जाता है 5 बार। घूमने फिरने में बीत गए 1 साल उसकी। तो अब है मेरा 2रा साल, मैं पढ़ा साल भर गोल गोल, इन इम्तिहान का परेशान, जैसे देखा पर्चे को खोल, मिल सका नहीं एक को फिकल, इन उपन्यास सक्सेस का सोल। तो अब लड़का परेशान है, उसको कोई भी मतलब सफल नहीं हो रहा, 2 साल बीत गए हैं, तो इसमें क्या है, सोच रहा है कि कुछ चलिए जुगाड़ ही लगाते हैं। तो डॉन माफियाओं से जुगाड़ लगा रहा है, फ्रॉडगिरी करना चाह रहा है। तो इस साल कौन रोकेगा मुझे, कुछ कर न सकेगा ए जहान, और मिल जाएगा पहले पेपर दिया वचन रंजीत का। फिर ये पकड़ा गया, मतलब पकड़ा गया टीम, मतलब जो सिक्योरिटी वाले होते पकड़ लिए। तो फिर हुआ कैच, ये फिक्स मैच हो गए बस कितनों जवान, अब लगता है मेरे दिल को ठीक नहीं विध का विधान। तो देखिए हर तरीके से लड़का पूरा फाक करना चाह रहा है, घूम टहल रहा है, तो कहाँ से सफल होगा। तो उसने इतना सारे चीजें किया, सफल नहीं हुआ। अंततः इंसान जब थक हार जाता है तो कहाँ जाता है, अंततः भगवान के पास जाता है, अपने आप को समर्पित करता है। तो उस पर मैंने लिखा है कि अब है मेरा 3रा साल है, मैं भी हूँ पूरा तैयार, अब पूजा करता हूँ 4 बार, व्रत रखता हूँ हर शुक्रवार। कि घर गया नहीं मैं 8 माह, लोगों ने की किधरो पुकार, अब देना है लड्डू 5 किलो या बजरंग बली से है करा। सेलेक्ट हो जाता है, तो अंततः सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट तो होगा ही। तो आखिर वो आया दिन महान, जब हुआ मेरा फिर इम्तिहान, जिसके फल से मुझे मिला मेरा स्वरूप मेरा सम्मान। वंदन है तुझे बार बार, हे करुणामयी कृपा निधान, हे करुणामयी कृपा निधान। धन्यवाद, वंदे मातरम।